Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 12, we will start new chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. In previous lectures, we completed the first chapter, electric charges and field applications of Gauss law, whole chapter. Now we will start chapter number 2, electrostatic potential and capacitor. Capacitance. In this chapter, we will study about electrostatic potential in detail and potential difference also and then capacitance. तो इस lecture में हम पढ़ेंगे potential और capacitance को. तो सबसे पहले हम बात करते हैं electric potential की. अगर हम बात करें electric potential, तो जो electric potential है उसके लिए मैं क्लास 12 के लिए बच्चों को बताना चाहूंगा. मैंने क्लास 10th यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 10th का, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहां पर बेसिक फॉर्म में. तो आपको जनरल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस समझना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप उसके लिए क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वाला लेक्चर देख लें. फिर भी हम यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक. तो इलेक्ट्रिक और हम यहाँ पर जो मेन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज से. ओके, तो सबसे पहले मैं जनरल इंट्रोडक्शन फिर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको रिकॉल करा रहा हूं क्लास 10th के बेस पे. तो हम क्या कहते हैं, मान लीजिए सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा ऑल डायरेक्शंस में. तो यहां पर अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ, प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया हुआ है हमने प्लस क्यू चार्ज के लिए, ठीक. तो अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को, आपको क्लास 10th का ही मैं रिकॉल करा रहा हूं, इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, सपोज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉइंट में अगर हम इंफिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को लाते हैं, तो ये चार्ज क्या करेगा, उस प्लस क्यू नॉट को रिपेल करेगा, करेगा नहीं करेगा, ये प्लस क्यू उस प्लस क्यू नॉट जिसको हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना चाह रहे हैं उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो ये रिपेल करेगा लेकिन फिर भी हम इसको ला रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा. किसके अपोज में, वर्क डन बाय दिस, यानी कि इस फोर्स के अपोज में एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस चार्ज को यहां ले आए, साथ में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो वहां से वर्क बनेगा, फोर्स एफ डी एक्स, एफ इंटू डी, ठीक. और दोनों सेमी एंगल में है, एफ टी कॉस थीटा, तो कॉस जीरो हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वर्क एफ इंटू डी. कुल मिला के हमें वर्क करना पड़ेगा. तो मान लीजिए इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट ए तक अगर हम लाए, तो इस यहां तक, मान लीजिए इंफिनिटी से यहां लाने तक वर्क क्या है, डब्ल्यू ए, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल हो जाएगा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट, पोटेंशियल एट पॉइंट ए. ऐसे अगर आप पॉइंट बी तक ले आए थोड़ा सा और आगे उस चार्ज को लाते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा, वर्क थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि तो ये ज्यादा रिपेल करेगा, तो हमें भी ज्यादा फोर्स के साथ ज्यादा डिस्प्लेसमेंट लगा के यहां तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, तो इसलिए वर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट, बी मीन्स एट पॉइंट बी, यानी कि इन जनरल हमारा जो पोटेंशियल है वो है डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऑन मूविंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट. अब हम इंफिनिटी ही इसलिए लेते हैं क्योंकि इंफिनिटी पे हम पॉइंट जो पोटेंशियल है उसको हम जीरो मान के यहां पर चलते हैं, कि हमारे एजम्पशन होता है कि वी इंफिनिटी क्या होगा, पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होगा, जीरो. ये हमारा एजम्पशन है फिजिक्स में, ठीक है, कि भाई बहुत दूर जाकर के जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वहां पर जीरो होगा, ठीक, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर से आर इंफिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग जीरो, ठीक. तो इसलिए पोटेंशियल क्या भी यहां पर क्या होगा हमारा, जीरो. तो इसलिए यानी कि जो पोटेंशियल है किसी पॉइंट पर वो उसका मेजरमेंट किया जाता है इंफिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, ठीक. यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलॉम, या फिर ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट. ये आपको क्लास 10th के बेस पे है, फिर भी आप इसको नोट कर सकते हैं. एक होता है दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस,
यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, अगर यहां पर पोटेंशियल, देखिए यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो तो हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा बी पॉइंट पर डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट। तो अगर B का पोटेंशियल ज्यादा है यहां पर, अगर B के पोटेंशियल से A के पोटेंशियल को माइनस कर दें, VB माइनस VA, तो ये बन जाएगा WB अपॉन Q नॉट माइनस WA अपॉन Q नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा हमारा VB माइनस VA इक्वल टू WB माइनस WA अपॉन Q नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th। ये क्लास 10th के बेस पे है। इसको डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप क्लास YouTube में क्लास 10th के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के लेक्चर को देख लें, फिर भी आप इसको शॉर्ट में यहां पर नोट कर सकते हैं। ओके, आपने इसको नोट कर लिया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ये मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट इसलिए समझाया है, आप इसको क्लास 10th के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के लेक्चर से अच्छे से अपना बेसिक तैयार कर सकते हैं। रिकॉल करना है आपको क्लास 10th का। ठीक, अब जो मेन यहां पर है वो हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यहां से हमारा मेन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले के दो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं पोटेंशियल के, कौन सा, ए वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, इसको भी हम इन जनरल कहेंगे डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके, तो नेक्स्ट एंड इंपोर्टेंट टॉपिक, इसको हम अच्छे से समझेंगे, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक डिस्टेंस पर। ठीक, तो देखिए क्या है, मान लीजिए मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज मैंने यहां पे रखा हुआ है पॉइंट ओ कह देते हैं। ठीक, तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट चार्ज से जो कि पॉइंट ओ पर रखा हुआ है, इससे मान लीजिए R डिस्टेंस पर, इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर, इस प्लस क्यू को मैं यहां पे लिख रहा हूं, पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर मान लीजिए पॉइंट P है, एक पॉइंट क्या है P, तो हमें बताना है इस R डिस्टेंस के इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो दिस इज लाइक, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकाला था, अगर हम यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे, वी नो वेरी वेल इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, या इन जनरल हम कहते हैं इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर। k क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक, मीडियम पे अगर एयर है तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज प्लस क्यू। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट में लाने में जो वर्क डन होगा वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो हम उसी कंसेप्ट को यहां पर यूज करेंगे। तो देखिए मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, मान लीजिए यहां पर हम इन्फिनिटी से किसी एक प्लस क्यू नॉट चार्ज, किसको, प्लस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट की ओर लाना चाह रहे हैं। इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को हम ला रहे हैं कहां से, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक। अगर मैं इन्फिनिटी से जो पॉइंट चार्ज है, ये थोड़ा सा लाइन हमारी साथ टेढ़ी हो रही है, ठीक, इन्फिनिटी से अगर इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट पी तक लाने में अगर हम जो वर्क डन अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वही क्या होगा, हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज या वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इस पॉइंट पर क्या होगा, वही पोटेंशियल होगा। अब आप समझिए इसके लिए क्या है, अब हम इसमें एजम्पशन कैसे लेते हैं, देखिए मान लीजिए मैं किसी टाइम पर हम उसको जब वहां से इधर मूव कराएंगे तो ये चार्ज क्या करेगा, इस प्लस क्यू नॉट को रिपेल करेगा। इस प्लस क्यू नॉट पे फोर्स कहां लगाएगा, उस अवे लगाएगा, यानी कि उसको रिपेल करेगा। लेकिन फिर भी हम उसको ला रहे हैं इसकी साइड, तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो देखिए किसी एक टाइम पर मान लीजिए ये प्लस क्यू नॉट की पोजीशन
ये प्लस क्यू नॉट को जब हम यहां से मूव किया हमने, तो प्लस क्यू नॉट चार्ज किसी टाइम पर मान लीजिए यहां पर है, इस पॉइंट पर, ठीक। मूव करने के बाद कहने का मतलब ये इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर अब हम इसको यहां ले आ रहे हैं, ठीक। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, मैंने ये बताया कि जो ये चार्ज है हमारा प्लस क्यू नॉट, ये इंफिनिटी से किसी एक टाइम पर मैं इसको यहां तक ले आया, ठीक। यानी कि तब उसकी डिस्टेंस क्या है, इस चार्ज से एक्स पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। तो अब क्या हो जाएगा, जब ये इस प्लस क्यू नॉट, यहां पर हम एक कोई पॉइंट मान लेते हैं ए, यानी कि जब हम इसको ए पॉइंट तक ले आए, ठीक, तो ए पॉइंट पर चार्ज को हम यहां पर लिख लेते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ए पॉइंट तक लाने में ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, बता सकते हैं फोर्स? 1/4πε0 कूलॉम फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 हम एयर में मान के चल रहे हैं, q1q2/r2। यहां पर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q1 के ऊपर q और q2 के ऊपर q0/distance। डिस्टेंस क्या है, x2। ओके, यहां तक आपको समझ में आया? तो मैं पहले यहां तक आपके लिए इसकी थ्योरी थोड़ा सा लिख देता हूं, ठीक, फिर आपको लिए इसको आगे कंटिन्यू मैं कर रहा हूं। ओके, तो मैंने इससे रिलेटेड यहां पर ये थ्योरी लिखी है। ये थ्योरी देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो थ्योरी है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आप इस थ्योरी को नोट करेंगे तो हम जो कर रहे हैं वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब आप लास्ट में जब आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स देंगे 2021 में, 2021 में यानी कि नेक्स्ट ईयर जो आपके होंगे एग्जाम, ठीक है, पेपर तो आपको नेक्स्ट ईयर देने हैं, ठीक, क्योंकि तो मार्च तक तो आपको पढ़ना ही है, वही अब फरवरी मार्च में आपके जब भी पेपर होंगे, फरवरी मार्च में, तो उस समय आपको ये पूरा रिकॉल रहेगा, आप बस पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, इसलिए आप इनको लिखिएगा जरूर। ओके, तो देखिए हमने क्या किया यहां पर, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। हमें पॉइंट पी पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पॉइंट पी क्या है, विच इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू। पॉइंट पी इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर है, क्लियर हुआ? सपोज वी मूव अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, जो फिगर में दिखाया है, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। हम क्या कर रहे हैं, सपोज इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव करेंगे, ठीक, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमने कहा किसी समय लेट प्लस क्यू नॉट इज एट पॉइंट ए, प्लस क्यू नॉट चार्ज कहां पर है, पॉइंट ए पर है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू। यानी कि किसी एक कंडीशन पर, किसी टाइम पर चार्ज हमारा पॉइंट ए तक हमने कंसिडर किया, तो उस समय उसकी इस प्लस क्यू से डिस्टेंस क्या है, एक्स है। तो देन क्या होगा, देखिए, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट पॉइंट पी, जब वो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉइंट ए, जब पॉइंट ए पर होगा तो इस पर कितना फोर्स होगा, तो कूलॉम फोर्स हो जाएगा एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू वन, यानी कि क्यू क्यू नॉट अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए। तो मुझे लगता है आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए हमने जो देखा, इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा वो मैंने देखा, एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो फोर्स है हमने टेस्ट चार्ज पर बोला, ठीक, ये तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है ऑन क्यू नॉट पर, मैंने पहले लिखा हुआ है पूरा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस चार्ज को मूव करा रहे हैं तो हमें अगर हम इस चार्ज को मूव करा रहे हैं इधर, तो हमें ये जो फोर्स लगा रहा है ना उस पर, उस डायरेक्शन में उसके अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इस फोर्स यानी कि इस चार्ज प्लस क्यू के द्वारा लगाए गए फोर्स के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसमें अब मैं लिख रहा हूं एफ एक्सटर्नल, इससे आप समझ जाइए ईएक्सटी, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस हो जाए। देखिए जब ये जो फोर्स है उस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इसके अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, -1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमने निकाला कि इस पॉइंट पे फोर्स क्या होगा, हमें क्या निकालना है, वर्क डन। अब हमें एक एजम्पशन लेने, देखिए मान लीजिए जब ये चार्ज पॉइंट ए पर है,
मैं इसको ए से आपको समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं पॉइंट बी तक एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स ले रहे हैं। देखिए मैं क्या ले रहा हूं यहां पर, आप समझने की कोशिश करेगा। ए से पॉइंट बी तक मान लीजिए हमने डीएक्स डिस्प्लेसमेंट करा दिया, हमने क्या कर दिया इसको थोड़ा सा और डीएक्स डिस्प्लेसमेंट कराया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा देखिए, इफ देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट डीएक्स फ्रॉम कहां से कहां लिया हमने ए टू बी, आपको पॉइंट बताने के लिए पूरे पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं, ए से बी तक डीएक्स डिस्प्लेसमेंट किया, तो हम जो निकाल रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे, वर्क डन बाय कौन सा एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल ठीक है इक्वल टू फोर्स इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो हमारा होता है डब्ल्यू होता है W इक्वल टू होगा हमारा एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, तो यहां पर जो एंगल होगा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा जीरो, कॉस जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो कितना हो जाएगा हमारा डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा एफ डी कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना हो गया वन, तो जो हमारा डब्ल्यू निकलेगा एक्सटर्नल वो निकलेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स कौन सा होगा एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट हमने यहां पर जो डी है इस केस में देखिए हमारा डिस्प्लेसमेंट एफ इनटू एफ डी हो जाएगा, लेकिन इस केस में हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिया है मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू एफ डीएक्स डिस्प्लेसमेंट लिया, हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है डीएक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो एफ डीएक्स हो जाएगा। अब F कौन सा है हमारा, F एक्सटर्नल है, अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो यहां पर मैं और क्लियर कर दूं, F एक्सटर्नल इनटू dx ठीक, अब ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो मैं W एक्सटर्नल है लेकिन मैं इसको सिंपली W लिख रहा हूं आपके समझने के लिए, F एक्सटर्नल की वैल्यू रख दीजिए, F एक्सटर्नल ये रखेंगे आप विथ साइन, तो हम क्या रखेंगे माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू रखी और डिस्प्लेसमेंट dx, तो ये क्या निकल गया हमारा वर्क ठीक। अब ये जो वर्क है देखिए, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहां तक, जो वर्क हमने dx डिस्प्लेसमेंट के लिए ले रहे हैं बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है, तो हम अपने वर्क को dw लिख देंगे ठीक है, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है ठीक, तो यहां पर भी हम dw में लिख सकता हूं, लेकिन एक्सटर्नल का मतलब है एक्सटर्नल वर्क, तो dw वर्क हो जाएगा, ये वर्क है फ्रॉम पॉइंट ए से ए टू बी डिस्प्लेसमेंट करने का। मैं थोड़ा इसको कैमरे में चेक करता हूं इट इज विजिबल और नॉट, ओके तो डी डब्ल्यू हमारा इतना वर्क डन आ गया यहां तक। अब लेकिन मुझे क्या कर निकालना है, वर्क कहां से कहां तक का निकालना है, मुझे वर्क तो निकालना भी इन्फ, ये तो हमारा जो वर्क है ए से बी तक का है, हमें वर्क निकालना है इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक, यानी कि इन्फिनिटी से ये डिस्टेंस अर्थ टोटल वर्क, तो जो टोटल वर्क हो जाएगा अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस दिस डी डब्ल्यू माइनस वन अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, और लिमिट लगा दीजिए कहां से कहां तक इंफिनिटी टू आर ठीक, तो इंफिनिटी टू आर ओके। अब हम इस इंटीग्रेशन को आगे सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन आगे सॉल्व करना है तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस बाहर ले लीजिए, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा, क्यू और क्यू नॉट ये भी हमारे कॉन्स्टेंट है ये भी बाहर आ गए, तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास बचेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट इंफिनिटी टू आर ओके। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा, आप एक स्क्रीन शॉट लीजिए और यहां तक इसको नोट करिए ठीक, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आपने यहां तक स्क्रीन शॉट लेकर के या पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा ओके। अब देखिए आगे, अब हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहां लिख रहा हूं W इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट ओके, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर को हम एक्स की पावर माइनस टू लिख सकते हैं, लिमिट तो इंफिनिटी टू आर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स ओके। अब हम यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे इसके इंटीग्रेशन के लिए,
ठीक, x की पावर n dx, ये होता है आपका x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये भी डेफिनेट इंटीग्रल है, हमें लिमिट दे रखी है। ठीक, तो इस समय हमें पीछे से कॉन्स्टेंट c जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। इस फॉर्मूले के लिए क्लास 11th के मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, चैनल में आप वहां से फॉर्मूले देख लीजिए। अगर किसी को कंफ्यूजन है इन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में तो वहां देख लीजिए, 11th में मैथमेटिकल टूल्स वाला लीजिए। ओके, नाउ कंटिन्यू करते हैं आगे। तो w इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट, x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा इस फॉर्मूले से, x की पावर n dx स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर n की ऊपर क्या है माइनस 2, तो क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 यानी माइनस 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 नीचे, तो माइनस 2 प्लस 1। लिमिट कैसे लगाते हैं इंफिनिटी टू r, गॉट इट। अब इसके बाद देखिए w इक्वल टू हमारा हो जाएगा w इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट, इसको देखिए क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 1, ओ सॉरी यहां पर माइनस साइन भी है आगे से, ये ध्यान दीजिएगा माइनस साइन पहले से चलते हुए आ रहा है क्योंकि हमारे माइनस साइन कंटिन्यू करना है। x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इंफिनिटी टू r। अब अगली लाइन में देखिए ये माइनस वन से माइनस वन को हम बाहर लेके इस माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस वन को आप बाहर ले सकते हैं, तो माइनस से माइनस कट गया। तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी डब्ल्यू इक्वल टू, अभी माइनस साइन हट गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, अंदर क्या बचेगा केवल एक्स की पावर माइनस 1, और उस एक्स की पावर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स, और लिमिट क्या लग जाएगी इंफिनिटी टू आर। ओके, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करिए। ठीक, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम हटा देते हैं यहां से। तो देखिए अब इसका आगे फर्दर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये फॉर्मूला भी मैंने यहां से हटा दिया। तो देखिए अब इसमें लिमिट अप्लाई कीजिए, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो w इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट, तो ये आया, इसमें लिमिट लगाएंगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, तो x की 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x की ऊपर एक बार अपर लिमिट रखेंगे r, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 1 अपॉन इंफिनिटी। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा w इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, क्या हो जाएगा जीरो, ये टर्म जीरो हो गया, तो 1 अपॉन r बचा, उस 1 अपॉन r को मैंने लिख दिया यहां। तो ये आया हमारा डब्ल्यू वर्क डन। ये वर्क डन कौन सा आया, इनफिनिटी से इस प्लस क्यू नॉट को इस पॉइंट P तक लाने में वर्क डन आया। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है W अपॉन क्यू नॉट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जिसको आप मूव करा रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट होता है। तो आप इस पूरे वैल्यू को किससे डिवाइड कर दीजिए Q नॉट से, तो देखिए क्या आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q नॉट अपॉन R, ये तो W की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो आपका पोटेंशियल निकल के आ गया V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो दिस इज द रिजल्टेंट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ओके, तो यहां पर क्या है देखिए, ये पॉइंट हमारा फॉर्मूला निकला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑन दिस पॉइंट P, ये पॉइंट P पर हमारा पोटेंशियल निकल गया है जो कि इससे क्या है R डिस्टेंस पर है। तो किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r होता है। किसी मीडियम के लिए अगर हम बात करें तो कहेंगे k q अपॉन r। ठीक, अगर आप रिकॉल करें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है एट ए डिस्टेंस r पर, इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, या हम कहते हैं E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड R स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, जबकि पोटेंशियल देखिए आप, पोटेंशियल यहीं पर मैं लिख रहा हूं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है R है,
पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट करिए। तो ये हमने आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।